गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे दोस्तों, और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज प्रथम नवरात्रा है, और मैं माता रानी से यही दुआ करती हूँ कि आपके घर में सुख समृद्धि आए, खूब खूब वैभव लक्ष्मी का प्रवेश हो आपके घर में, और आपके घर में हर तरह से आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सब स्वस्थ रहें, और हम लोग भी स्वस्थ रहें, यही दुआ है मेरी। और चलो चलते हैं, माता रानी के दर्शन करते हैं और करते हैं पूरा परिवार मिलकर पूजा। नवरात्रि दोस्तों, और तनु भी आपको हैप्पी नवरात्रि बोल रही है। हैप्पी नवरात्रि दोस्तों। दोस्तों पूजा हो चुकी है, और ऑफिस जाने वालों को बहुत लेट हो रहा है, तो इसलिए उनके लिए प्रसाद वाला जो चिप्स वगैरह होते हैं वो चाय वाय के लिए रेडी कर दी है, तो ये लोग पी के फिर अपने ऑफिस जाएंगे।
दोस्तों फिर चलते हैं, खाने की तैयारी कर लेते हैं क्योंकि शाम को सब लोग आ जाएंगे ऑफिस से और सबका फास्ट है, आने के पापा का, रोहित का, तनु का और मेरा भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से जल्द खाना बना लेती हूँ, शाम का खाना रेडी कर लेते हैं। तो रखने चलते हैं आलू, ताकि आलू बॉयल हो। चलो रेडी करते हैं आलू, मैं धो लेती हूँ फटाफट। आलू बॉयल करने रख दो और कुकर का ढक्कन भी बंद कर देना बेटा। बंद कर दिया है कुकर का ढक्कन। आनू नहीं आता क्या? कुकर का ढक्कन लगाना नहीं आता है दोस्तों। चलो मैं इसे सिखा देती हूँ। नहीं आ रहा दोस्तों, नहीं आ रहा इसको, नहीं आ रहा। कुकर ढक्कन बंद कर रही है, मुझे मना कर रही है कि मम्मी मैं खुद ही करूंगी। तो फाइनली कुकर आनू से बंद हो चुका है और आनिया ने इसको लॉक कर दिया है और कुकर फाइनली आनू ने बंद कर दिया है। तो ठीक है दोस्तों, करते हैं थोड़ी देर में जैसे ही आलू बॉयल होते हैं तो तैयारी करते हैं प्रसाद बनाने की। और दोस्तों मुझे रोटी बनानी नहीं आती है प्रसाद की, तो वो प्रसाद की रोटी हमारी बनाएंगी मम्मी। आलू बॉयल हो चुके हैं दोस्तों और थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं ताकि इसका जो पानी है वो निकल जाए। अब कुकर तो दोस्तों आलू के छिलके उतार लेते हैं। और तो दोस्तों आलू सारे छिल दिए हैं मैंने, कुछ आलू मैं सब्जी के लिए रखूंगी और कुछ कुट्टू के आटे की जो हमारी भारत की रोटियां बनेंगी उसके लिए रखे जाएंगे। चलिए दोस्तों गैस ऑन कर लेते हैं और कढ़ाई रख देते हैं, डालते हैं तेल, थोड़ा सा कढ़ाई का हो जाए गरम। मटर और हरी मिर्च कट कर ली है क्योंकि व्रत के खाने में, मेरे को दिखाना अब, क्योंकि व्रत के खाने में हम लोग सिर्फ और सिर्फ टमाटर और हरी मिर्ची यूज़ करते हैं क्योंकि हल्दी और लाल मिर्च वगैरह हम यूज़ नहीं करते हैं व्रत में। तो डाला हमने ये जीरा, अभी लगता है तेल गरम नहीं हुआ है अच्छी तरीके से। क्योंकि इसमें टमाटर डाल देते हैं, हरी मिर्च रेडी हो चुका है और अब हम डालने जा रहे हैं आलू जो हमने बॉईल किया। इस पे ऑयल आने लगा है, ये ऑयल छोड़ने लगा है, तो अब हम इसमें डाल देंगे पानी। ने इसमें पानी डाल दिया है और अब हम इसे थोड़ी देर ऐसे रखेंगे कि ये अच्छे से बॉईल हो जाए पानी, और हम इसे सिम पे छोड़ देंगे ताकि सिम पे अच्छी ग्रेवी बनेगी इसकी। और अब हमारी सब्जी भी रेडी हो चुकी है। नहीं है। देख सकते हैं आप, हम पकौड़ी जो बनाने जा रहे हैं उसमें मैंने दो आलू ले लिए हैं और उसमें मैंने लोहरी सेंधा नमक और काली मिर्च पाउडर डाल दिया है और थोड़ी सी मैं इसमें धनिया और हरी मिर्च भी कट कर देती हूँ और कुट्टू का आटा डाल देती हूँ ताकि हमारी पकौड़ियाँ टेस्टी बने। मैंने धनिया और हरी मिर्च कट कर दी है, अब मैं कुट्टू का आटा भी डाल देती हूँ। पेस्ट तैयार हो चुका है, इसमें आलू भी है और इसकी पकौड़ियाँ मैं रेडी करने जा रही हूँ। तो अब हम ये पकौड़ियाँ इसमें डाल देते हैं, तेल गर्म हो चुका है, ये दिखा नीचे तक। बस रहे बन चुकी हैं और अब हम इसको दही में डाल देंगे। एनी सो के उड़ गई है और वो कह रही है कि मैं भी बाहर बैठूंगी, तो मैं एनू को बाहर लेके जा रही हूँ। एनू अपने दोस्तों को हेलो बोल दो, हेलो कह दो। और दीदी टीका लगा रही है एनी के, एनी की टीका लगा रही है दीदी दीदी के टीका लगा रही है एनी, नहीं दीदी लगा रही है एनी दीदी के टीका। और एनी दीदी अब बैठेंगी बाहर अम्मा के साथ, की पूजा कर लेते हैं। तनु भी ऑफिस से आ गई है, ये लोग अभी ऑफिस से नहीं आए हैं, ये लोग आएंगे तो ये लोग बाहर छोड़ देंगे और भोग हम तभी लगाएंगे जब लोग आ जाएंगे ऑफिस से, क्योंकि उन्होंने भी फास्ट रखा हुआ है तो उनके साथ ही फिर भोग लगा देंगे माता रानी को। तो इसलिए हम शाम हो गई तो हम लोग जो जला लेते हैं माता रानी, मैं तनु को बुला लेती हूँ पूजा के लिए। ऑफिस से आ गई है तो हम लोग पूजा कर लेते हैं।
मम्मा के टीका लगा रही है, पूजा हमने कर ली है और चलो थैंक यू। इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और मैं माता रानी से यही कामना करती हूँ कि आप लोगों को घर में हमेशा खुशियाँ आए, आपके घर में खूब खूब बरकत हो और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आप लोग आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हमेशा स्वस्थ रहें। और आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे परिवार के लिए दुआ करना कि मेरे घर में भी खूब खूब ढेर सारी खुशियाँ आएँ और मेरे घर में भी लक्ष्मी माता का वास हो और आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप, मानसिक रूप से हम लोग भी स्वस्थ रहें। तो इस प्यारे से ब्लॉग को यही एंड करते हैं दोस्तों। बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी।